بسم اللہ الرحمن محترم، السلام सामिन मोहतरम्सल वरमि वबरक नाज्रीन आज हम जादू के तोड़ का काले जादू के तोड़ का एक खूबसूरत कुरानी अमल आपकी ख़िदमत में पे पेश करेंगे नाज़रीन सिर्फ़ ये वजीफ़ा नहीं होगा बल्कि इस वजीफ़ा की जो ज़कात है इस वजीफ़ा की जो खास तादाद आमिलीन ने मुकर की है पुरतासीर बनाने के लिए वो भी आपको बताएंगे ये राज कोई आमिल नहीं बताता उसकी वजह ये होती है कि आमिलीन कोशिश करते हैं कि काम हमें दिए जाएँ हम इलाज मुआलजा करें हम ट्रीटमेंट करें हम अच्छी ख़ासी रुकूम बटोर कर लोगों का इलाज करें इसलिए राज नहीं बताते मगर हम इन वो राज आपको बता देंगे जब आपको राज मालूम हो जाएगा तो आप जादू का तोड़ ख़ुद कर सकेंगे सिफली जादू का तोड़ खुद कर सकेंगे काले जादू का तोड़ आप खुद कर सकेंगे वजीफ़ा कैसे करना है उसकी खास तादाद कैसे पूरी करनी है उसकी ज़क़़़़़त अदा करने का तरीक़ाक क्या है कौन से दिनों में वो ज़क़़़़़़त देनी है यानी खास तादाद को पढ़ना है ये सब हम आपको बताएंगे बशर्त ये कि हमारी ये वीडियो आखिर तक समाप्त कीजिएगा नाजरीन सूरे यूनस की आयत नंबर इक्यासी आयत नंबर एटी वन به السحر कला मूसा سيبطله तुम الله सहर يصلح عمل المفسدين ये आयत नंबर इक्यासी है सूरे यूनस पारा नंबर ग्यारह इसकी खास तादाद जो आमिलीन ने तहरीर फरमाई है जो माहरीन ने बतलाई है वो अब आपके सामने रखते हैं जिसके बाद ये वजीफ़ा प्रतासर हो जाएगा आप इस आयत मुबारक के आमिल हो जाएंगे जब आप इस आयत मुबारक के आमिल बन जाएंगे तो फिर आप काले जादू का तोड़ आसानी से कर सकेंगे ब्लैक मैजिक का तोड़ सिफली का तोड़ आसानी से आप कर सकेंगे नाजरीन इस आयत मुबारक को दो दिन इक्कीस सौ मरतबा पढ़ना है एतवार की शब और सोमवार की शब एतवार और पीर की शब्द इक्कीस सौ मरतबा इस आयत मुबारक को आपने पढ़ना है तरीका ये कि बाद नमाज इशा दो रक़त सलातुल हाजत की नीयत से नफिल अदा कर लें इसके बाद इक्कीस मरतबा दुरूद कादरी पहले पढ़ें फिर 2100 सौ मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ें फिर आप दरूद कादरी इक्कीस मरतबा पढ़ें यूँ पहले दिन आपकी जो ख़ास तादाद मुकर की गई है वो पूरी हो जाएगी दूसरे दिन भी आपने ऐसे ही करना है दरूद कादरी भी पढ़ के सुना देता हूँ हम लिख भी देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो अल्लाम मसलआ अला दिना महमदी व आलिही व इत्रतिही बे आद कुल्ल का अल्ला मसल आल सई दिन महमदी व आली व इतरती बे आदि कुल मालूम लरुद कदरी है इक्कीस सौ मरतबा आयती मुबारक़ा को पढ़ने से पहले इक्स मरतबा ये दुरूद पढ़ लें फिर इक्स मरतबा बाद में ये दुरूद शरीफ पढ़ लें यानी अव्ल आखिर दुरूद कदरी इक्कीस इक्कीस मरतबा पढ़ना है यूँ दो दिन जब आप इस वजीफा की ख़ास तादाद पूरी कर लेंगे तो अमल की ज़क़ात पूरी हो जाएगी इसके बाद आप जादू का तोड़ कर सकते हैं उसके भी चार पांच तरीक़े हैं पहला तरीक़ा अर्ज़ कर देता हूँ मशहूर यानी जिस पे सहर हुआ है जिस पे जादू हुआ है अगर वो ख़ुद है तो भी इस आयत मुबारक को हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़े अव्वल आखिर दरूद कदरी एक, एक मरतबा पढ़ ले 21 मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ना है हर नमाज के बाद और दरूद एक एक मरतबा अव्वल आखिर पढ़ लेंगे पानी पे दम करेगा पानी पी लेगा खुद है तो खुद इस तरह अपने जादू का तोड़ करेगा और अगर घर में कोई बीमार है घर में कोई मशहूर है घर में किसी पे जादू हुआ है आप उसके लिए अमल कर रहे हैं तो फिर आपने अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद कादरी को पढ़ना है इक्कीस मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ना है पढ़कर पानी बेदम करके दे देंगे या फिर ख़ुद मरीज़ के ऊपर कपड़ा डालेंगे कपड़ा डाल के पानी के चंद कतरे मरीज़ के ऊपर गिरा देंगे यानी पानी के छटे मारेंगे कुछ पानी इस तरह मरीज़ के ऊपर गिराएंगे कपड़ा डाल के और कुछ पानी मरीज़ को पिला देंगे इन इस अमल की बरकत से मरीज ठीक हो जाएगा यह अमल आप 11 दिन तक भी कर सकते हैं 21 दिन तक भी कर सकते हैं रोजाना की बुनियाद पे करना आसान है तो बहुत अच्छी बात वरना नागा भी हो सकता है यानी तीन दिन बाद सात दिन बाद ग्यारह दिन बाद या हर एतवार यह अमल किया जा सकता है तीसरा तरीका इसका चार कील ले लें चारों के ऊपर आपने इस आयत मुबारक को 21 मरतबा पढ़ना है यानी अव्वल आखिर दुरूद कादरी एक एक दफ़ा पढ़कर 21 इक्कीस मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ना है एक कील पे आप फूँक मार देंगे फिर दूसरे पे इसी तरह 21 मरतबा पढ़ के फूक मार देंगे फिर तीसरे पे फिर चौथे पे यूँ चारों कील घर के कोनों में गाढ़ देंगे इन घर में जो जादू का असर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा इसी तरीक़े से मरीज़ को आप तावीज़ बना के देना चाहते हैं घर में कोई बीमार है या फिर आपका कोई मरीज़ है आप आमिल हैं तो आप दरूद कादरी बसमिल्ल के साथ लिखें फिर इस आयत मुबारक को लिखें फिर दरूद कादरी लिख दें तावीज़ पीने के लिए भी दे सकते हैं और गले में डालने के लिए भी दे सकते हैं इस अमल की बरकत से जादू टूट जाएगा मज़ीद रहनमाई के लिए रा भी किया जा सकता है आज की वीडियो में बस इतना ही अकुल को लिहाद अनिल व आखिरदावाना अनहमदिल्लाबीन